हर हर महादेव। मैं एडवोकेट कुशाग राजा स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस नए ब्लॉग में, जहाँ आज हम बनाएंगे दिल्ली जमुना पार्क की सबसे मशहूर छोले पूरी। आज का ये ब्लॉग होगा बेहद खास, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने का जायका होगा हमारे पास। बनी अपनी शॉप कितनी पुरानी है? जहाँ आज कुछ नए साथी इस रेसिपी के उस्ताद दिखेंगे, वहीं उन्हें देख हमारे नन्हे मुन्ने बेबस और लाचार दिखेंगे। मेहनत के साथ ये पंडित तुम्हें घूमना चाहिए था, तुम गलती कर रहे हो। किलो आटा देख ले भाई, कैसे घूम रहा है भाई? भाई बहुत ताकत चाहिए आटा घूमने के लिए, पंडित तुम्हें घूमना था ये। अरे भाई मेरे को बस के लिए। तो खुशियां बांटने का मकसद लिए शुरू करते हैं हमारे इस ब्लॉग को, जहां होगा आपका साथ और हमारा प्रयास। सब्जी कैसी लगी आप आंटी, ये तो बताओ। टेस्टी अच्छी। हर हर महादेव। हम चल दिए ठंड ठंड में कमल पंडित जी के पास। पंडित जी का कॉल आया है, उन्होंने बोला भाई छोले उबाले रख दिए हैं, आ जाओ। हेलो। तो रात की कड़ाके की ठंड में मैं और हमारे शेर रवाना हुए आज की रेसिपी के स्टार हमारे मित्र कमल पंडित जी के द्वार, जो चलाते हैं शाहदरा की सबसे मशहूर दुकानों में से एक, पंडित पूरी भंडार। हर हर महादेव। फुल ऑन ठंड है। और अमित भाई, ये हमारे अमित भाई हैं, मेरे कॉलेज फ्रेंड हैं 2010 से। आज कैसे, अब क्या चला है? 2023 24 चल रहा है भाई। 14 साल से मेरे फ्रेंड हैं, बहुत खास मेरे, बहुत प्यारे मेरे दिल के, बहुत करीब हैं अमित कौशिक जी। हम आ गए हैं पंडित पूरी भंडार, शाहदरा की शान। और इनकी जो छोले पूरी है ऑलमोस्ट बहुत साल पुरानी है। पंडित अपनी शॉप कितनी पुरानी है? पंडित हेलो। पंडित अपनी शॉप कितनी पुरानी है? भैया इस दुकान को हुए 88 ईयर्स हो चुके हैं शॉप को गाइस। और बहुत गजब इनका टेस्ट ऐसा है कि आप लगातार पूरे साल 365 दिन खाओगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना साफ सुथरा खाना, मैं आपको दिखाता हूँ सेटअप इतना प्यारा है। आपको मिलवाते हैं कमल भैया से, पंडित जी हमारे जो जी तोड़ मेहनत करते हैं बेचारे। ओफो पंडित जी, हर हर महादेव। ये भैया हमारे, इन्हें आप सुबह देखेंगे हमारे घर पे, ये सारी प्रिपरेशन भैया ही करेंगे। सुबह भैया आएंगे, आप ही आओगे सुबह। चलो जी छोले उबाले जा रहे हैं वहाँ पे, पहले बाद में खाता हूँ। पहले साफ सफाई देखिए गाइस आप, मजेदार। पंडित क्या सेटअप है आपका पंडित यार, साफ सफाई के तो कायल हैं हम आपकी। पंडित ने आदेश किया कि भाई ऐसा है, अब तुम हर संडे कुछ ना कुछ बांटते हो भाई, ऐसा है मैं छोले उबालूंगा, मैं भेजूंगा सब बच्चों को, बड़ों को, जरूरतमंदों को, हमारे छोले टेस्ट कराना तुम, बहुत हो गया यार। पंडित हमारे बहुत धार्मिक आदमी है, बहुत ज्यादा धार्मिक। चलो जी अब आ गए हैं, पंडित ने कहा है कि छोले उबालने रख रहे हैं, अब देखते हैं छोले कैसे उबलते हैं। तो पंडित पूरी भंडार स्पेशल छोले बनाने के लिए 20 किलो छोले 10-12 घंटे भिगोए गए, और उसके बाद उन्हें नमक डालकर रात को उबाला गया। और अब इस जायके की आगे की कार्यवाही होगी अगली सुबह से। ठंड में 7 बजे हम आ गए हैं ऑफिस पे, और आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। ये उबले हुए रखे हैं छोले, ये छोले हमारे शाहदरा की सबसे फेमस पंडित पूरी भंडार के छोले हैं। वही पंडित जी आ रहे हैं, वही बताएंगे कि छोकना कैसे है, इसमें तड़का लगाएंगे पंडित जी अपना। कमल पंडित को हमने उठा दिया है, कह रहे बस मैं नहा के और मैं आ रहा हूँ। तो गाइस आज पूरी रेसिपी देखेंगे हमारे पंडित पूरी भंडार, मोस्ट फेमस शाहदरा में, इससे फेमस कुछ है नहीं, लस्सी छोले और पूरी, इनकी रेसिपी भी देखेंगे और मजा आएगा। छोले में आलूओं की मिश्रणबाजी के लिए हमने 10 किलो आलूओं को शीतल जल से स्नान करवाया। स्टाइल लवी का स्टाइल, तेरे सीना चीर दे, थैला चीर दिया है, दो दे, 2-3 बार धोएंगे बढ़िया से, धो देना अगर आपना पूरा ही। फिर लिया एक बड़ा भगोना, उसको चूल्हे पर रखा, उसमें डाले आलू और पानी और नमक डालकर चूल्हे की पोवो में लाइटर दिया और चूल्हा स्टार्ट किया। चूल्हे की पोवो में लाइटर दिया, चूल्हा चालू किया। पंडित जी आ गए हैं, आइए। ओजस भाई, ओजस भाई ले रहे हैं अपना संतरा, आज हम भटूरे नहीं खा रहे क्योंकि भटूरे खा के हम भटूरे ऐसे हो गए हैं। और भैया अपना नाम बता दो जल्दी से। हेलो मोनू है, राजू भाई। राजू भाई हेलो। राजू भाई हमारे कमल पंडित जी के यहाँ पे शॉप संभालते हैं, काम वाम करते हैं, तो भैया को पूरा एक्सपीरियंस है पूरी बनाने का, छोले बनाने का, तो भैया हमारी पूरी हेल्प करेंगे क्योंकि आज विशेष भाई भी नहीं है। तो मैंने कमल पंडित से रिक्वेस्ट करी थी, मैंने भैया 2-1 लड़के प्लीज भेज देना जो भाई अपने, तो भैया आज पूरी बना दोगे तुम, है फिट एकदम, जलवा है जलवा है भैया का जलवा। राजू भाई जिंदाबाद। चलो जी पंडित जी भी आ गए हैं हमारे, ये हमारे पंडित जी हैं, और ये पंडित जी के दोनों साहबजादे हैं, दोनों बेटे हैं प्यारे प्यारे। ये तरन है, हेलो करो कैमरे पे। वो मनन है, हेलो करो। क्या ये हेलो तो करते तरन भाई, हेलो। और मनन ब्रो आप भी कर दो, करो जल्दी करो। ये
दोनों को सेम तो जैकेट पहना रखी है मेरे येलो वाली मेरे को आई नहीं, तो मैं भी वही पहन के आ रहा हूं। पनी अब जिम कर रहे थे शुरू, अब करा नहीं शुरू? तरन तुम्हें क्या हो गया? सीधे तो बैठो यार, ऐसे ना करो यार, सीधे तो बैठो, घर चले फिर, चलो सीधे बैठो। संडे है, संडे आज छुट्टी है बेटा स्कूल की। आज छुट्टी हो गई इनकी भी, इनकी डैडी की भी आज तो। हाँ, फिर इस पिता पुत्र के प्रेम के बाद हुई एक पिता प्रेम की परीक्षा। पापा बताओ, मम्मी अच्छी पापा, कौन अच्छा है दोनों में से बताओ ना? नहीं पता। नहीं पता आपको? दोनों अच्छे नहीं है ना, पापा अच्छे ना मम्मी अच्छी है। अच्छा, ज्यादा प्यार कौन करता है ये बताओ। चलो, मम्मी ये प्यार करती है ज्यादा है, पापा प्यार करते हैं? पापा ज्यादा प्यार करते हैं। Once more, once more, once more. Very good. अच्छा, मम्मी कम प्यार करती हैं? अब तरन से पूछते हैं। तरन, आप बताओ। चलो, मम्मी ज्यादा प्यार करती हैं पापा? पापा से प्यार करते हैं। पापा ज्यादा प्यार करते हैं? हाँ। I've waited over 15 years for this moment. Very good. बेटा, दोनों को मम्मी इतनी पिटाई करेंगी ना YouTube पे वीडियो देख के, फिर पता चलेगा तुम्हें। दोनों को, दोनों की पिटाई होगी। मम्मी बोलेंगी पापा का नाम लेते हो। कमिटमेंट सीमा आया आया, आपका आना अनिवार्य हो गया। खाना तो क्या जरूरी है, खाना बनाने का टाइम। यस, आज मैं नहा के आया हूँ, ये नहा के नहीं आया मगर। यस, ये नहा के नहीं आया, ये खाना थोड़ा ना बनाना। लाइटर, लाइटर। ये हमने उड़द की दाल, उड़द की दाल है ना ये? कौन सी वाली दाल है उड़द की? ये देख, ये उड़द की दाल ये है। पंडित ने दिखाई उड़द की दाल, हमने पानी में भिगो दिया। ये रात को भिगानी भूल गए थे, ये रात को भिगानी भूल गए थे। ये पंडित ना हमारे बस एक दो बार ही बोलते हैं, बस कोई काम हमें 10 बार बोला करो काम की, एक बार में समझ नहीं आता हमारे। हमारा मोटा दिमाग है। हाँ पंडित, तुमने सिर्फ 2 बार बोली थी उड़द की दाल, वो पानी भिगो देना। कम से कम 10 बार बोलते। तो गाइस, ये हमने उड़द की दाल भिगो दी है, ये पूरी में डलेगी है भैया, ये पिसेगी ना? पिस तो बाहर जैसे आएगी ये बेशक। फिर पूरियों के लिए 2 किलो उड़द की दाल पिसवाने हमारे सिपाहियों की एक टुकड़ी रवाना हुई। दाल पिसवाने के लिए और जिनके पास पिसवाने जा रहे हैं, उन्हें एक बार आपने लास्ट व्लॉग में हमारे देखा होगा, मिलवाते हैं उन्हीं अंकल से, महादेव के वो हैं, वो भक्त हैं। आटा लगाने की जगह ये पूरा कमरा है, अंदर लगा दो। हाँ जी पंडी। अरे सुनो पंडी, कमल पंडी। अरे कमल भैया, भाई साहब कुछ कह रहे हैं हमारे। कमरे बहुत है हमारे पास। हाँ कमरे बहुत है, मम्मी को 201 में जाना है। चलो, ये दाल पेश चुकी है। वो वाले हमारे अंकल जी तो मिले नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी आटा लगा रहे हैं भैया हमारे। ये 10 किलो का आटे का पैकेट, ये हमारा आटा गूंद रहा है फुल मेहनत के साथ। ये पंडित तुम्हें गूंदना चाहिए था, तुम गलती कर रहे हो। 20 किलो आटा देख ले भाई, कैसे गूंद रहा है यार। भाई बहुत ताकत चाहिए आटा गूंदने के लिए, पंडित तुम्हें गूंदना था ये। अरे भाई मेरे पे कहां बस की है। अरे यार पंडित, तुम कर दे दो मेरी बात। गूंद पाऊंगा आटा। आलू उबल गए हमारे, पानी निकाल दिया भैया ने, गर्मा गर्म पानी एकदम। अबे गर्म पानी से नहाना किसी को। ओ जी भाई, दाल तो दिखा दो। एकदम ड्राई है तो है। फिर पूरियों में भरने के लिए पिसी हुई दाल में मिलाया सोडा और फिर मिलाया बेसन और उसे भी आटे की तरह गूंद लिया। फिर जितने आटा गूंद रहा था उतने सारी पंगत को आलू छीलने का प्रोजेक्ट दिया गया। तो अब हमारे लगभग आलू फिनिश हो गए हैं। ये देखो, चलाना जरा चक्कू, बच रहे हैं इसमें, एक आधा नहीं बच रहा। कैसे बच रहे हैं? लोई तैयार होते हुए कैसे बनाते हैं?
फिर ये दाल, ये आटा जो है बीच में डाल दें, हो गया तैयार। फिर इन प्रोफेशनल ने बेतुले हाथों ने जल्दी जल्दी अपने हाथों का जादू चलाया और पिट्ठियां तैयार करी। और फिर नंबर आया आज की रेसिपी की जान, पंडित पूरी भंडार स्पेशल आलू छोले मिक्स का, जिसके लिए हमने लिया एक बड़ा भगोना, उसको चूल्हे पर रखा, चूल्हे की पोपो में लाइटर दिया और चूल्हा स्टार्ट किया। फिर उसमें डाला 1 किलो रस का डालना घी, घी गर्म होने के बाद डाला 100 ग्राम जीरा और उसे 2-3 मिनट तक भूना। फिर डाली 250 ग्राम कटी हुई अदरक और 250 ग्राम कटी हुई मोटी हरी मिर्च और उन्हें लगभग 5 मिनट तक पकाया। और फिर आया बाल्टी भर के सीक्रेटली तैयार किए गए पंडित जी के सीक्रेट मसाले, जिसमें टमाटरों के साथ क्या डाला है, कितना डाला है, ये राज भी उसी के साथ चला गया। फिर इन मसालों के साथ करीब 20 लीटर पानी डालकर इसे 20 मिनट तक पकाया। फिर मसाले और पानी पकाने के बाद उबले हुए छोलों को उनके हवाले किया। और उसके 2 मिनट बाद ही आलूओं को भी उसमें विसर्जित किया और करीब 1 घंटे तक पकाया। चलो जी पंडित अम्मी देख लें छोलों का हाल। ओए ओए जलवा है जलवा। दाड़ा दाड़ा माल है, दाड़ा दाड़ा माल। फिर 1 घंटे बाद आई अपनी क्रिमिनल बहनों से मिलती जुलती शक्ल के कारण अपमानित होती 100 ग्राम बेकसूर कसूरी में थी। और ठंड में बर्फ सा ठंडा पड़ा 300 ग्राम गरम मसाला मिलाया और 15 मिनट तक पकाया। आते हुए पूरा ड्रामेबाजी कंप्लीट करते हुए और फिर 15 मिनट बाद डाला इसमें नमक स्वाद अनुसार और 20 मिनट तक फिर पकाया। और आखिर में दिया पेट को सेट करने वाली 30 ग्राम हींग का चटकारा। और 5 मिनट बाद हमारे शाहदरा के वर्ल्ड फेमस पंडित पूरी भंडार के छोले हो गए तैयार। और अब बारी थी इनकी जोड़ीदार गर्मा गर्म पूरियों की। ये छोले रेडी, जिसके लिए हमने ली एक बड़ी कढ़ाई, उसको चूल्हे पर रखा, चूल्हे की पोपो में लाइटर दिया और चूल्हा स्टार्ट किया। और फिर उसमें डाला 3 किलो देसी घी। देसी घी पूरी बनेगी। आप जगह दो, आप बैठो, भी जगह लो। और घी गरम होते ही गर्मा गर्म पूरियां उतरने का कार्यक्रम हुआ शुरू। नहीं नहीं वो करेंगे, एक बार वो डालना पूरी। पंडित आगे को आओ ना पंडित, यार ये कोई तरीका। चलो जी चलो, ओए भैया दोबारा कैसे जाएगी? अरे उनको दो, उनको पंडित तुम रहने दो, उनको दे दो भैया। है अब देश भैया ले लो। 100 भैया लो पकड़ा में जरा, वो बाहर से छोटे वाला कच्ची, छोटे वाले कच्ची ये भरने वाला। हाँ हाँ वो इसकी ये डाल कैसे रहा है भाई? हाँ ले ले ले, वो तो लाने पड़ेगी। पंडी 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 जाके ले आये, हर हर महादेव। अब अंकित भाई ने बोला है पंडित जी से, हमारे बड़े भाई सबसे, कि पंडित अब पंडित बनाएंगे पूरी। राजू भाई अब तुम हट जाओ, पंडित जी आपके हाथ, अब हट जाओ तुम, हट जाओ, हट जाओ तुम, हट जाओ। अब गुस्सा आ गया, अब गुस्सा आ गया। अब रण में कूद पड़ी महाकाली। राजू भाई आप उधर चले जाओ। अब जो है अब हमारे पंडित जी महाराज, जय जयकार। पंडित ये भंडारा अमृत समान हो गया है, अब जो भी खाएगा ना सीधा मोक्ष द्वार खोलेंगे उसके लिए। ओए होए, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। भाई वाह, मेरी जान पंडित जी है। अंकित बाबू देख रहे हो तुम, पंडित को देख रहे हो तुम, पूरी गोला मार के भाई देख रहे हो हमारे पंडित को। महाराज का जलवा है पंडित का हमारे। पंडित आप तो बहुत टैलेंटेड हो, हम तो नहीं समझ रहे हैं आपको। बड़ों का आशीर्वाद है, हमारा प्रयास। फिर हमारे पंडित जी के शुभ हाथों के साथ इस हुनर पेशी के बाद अब समय था हमारे इस आज के प्रयास को, आज के इस जायके को दिलों तक पहुंचाने का, यानी खुशियां परोसने का। ओए होए होए ओए होए, पंडित जी गाढ़ा गाढ़ा माल है। अरे वो ऐसे निकाल दे रहा ना, वो वाले मोड़।
मैं तो पूरी होते थे बाजी धन्यवाद तो हमारे छोले और ये हमारे नन्नू भाई और ये शेर बैरागी शेर बैरागी और ये देखो सब्जी देना हाँ हाँ भाई लुंडे सही है इधर आ इधर इधर आ जा इधर बच्चे आ गए जी ये सब्जी ले जा रहा है डब्बे डब्बे ले आओ डब्बे हाँ जी अंकल सही है टेस्टी एकदम हाँ जी बंदो ये तूने हाथ को खा ले हाथ में क्या हो गया तेरे अच्छा हाथ की वजह से नहीं खा रहा तो कोई खिला दो यार इसे यार रख के खा लेना बेटा छोले पूरी और ले ले तू ले ले सब्जी ले ले सब्जी ले ले अब ये बता लग कैसी रही है बहुत बढ़िया लग रही है भैया हाँ जी अच्छी लग रही है पाउडर लगा के ये बढ़िया लग रही है ये बढ़िया लग सब्जी आ गया देना बच्चों को हाँ हाँ ठीक है ठीक है नमस्ते भैया खा लेना अच्छा तब तो अच्छा गई तो लग कैसी रही है यार मजा आ रहा खाने में टेस्ट कैसा लगा सब्जी बढ़िया है सब्जी पता है कौन सी है जो पंडित जी पूरी भंडार है ना शादरा पे ये उनके छोले सब्जी है सेम उन्हीं के छोले हैं कल हाँ भाई कैसी लग रही है मस्त सबसे बढ़िया क्या लग रहा है ये बता दे चल सबसे बढ़िया आलू लग रहा है ओए होए सब्जी मतलब बढ़िया लगी तेरे को खाने में मजा आ रहा है हमारी कोशिशें वो कमाल करेगी दिलों की नफरत का शिकार करेगी रुकावटों ने आने की सोची अगर वो आने से पहले ही विचार करेगी हम तो छोटे हैं मालिक हमें छोटा ही रखना किसी को दो वक्त खाने को बेबस ना रखना सेवक तुम्हारा ये चलता रहेगा है जलवा तुम्हारा बस हाथ थामे रखना अरे से तो गुड़िया को इसे यार इसी से तो बच्ची को सब्जी कम डाल के देना जल जाएगी अरे सब्जी तो लेन दे से पूरी रूखी खा रही है वो तुम्हारा नाम क्या है गुमनाम डर जाएगा बाबू हमारा छोटा सा पूरी खाओगे आप पूरी खाओगे सब्जी कैसी लगी आप आंटी ये तो बताओ टेस्टी टेस्टी अच्छी